आज हम लोग इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का 14वां चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां लॉजिक गेट के बारे में उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए है दोस्तों, मूल गेट है, ये 2009 का एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल लॉजिक गेट है, पहला ऑप्शन है एंड और, बी ऑप्शन है नंड नॉर, सी ऑप्शन है और नॉट, ऑप्शन डी सही होगा एंड और नॉट। तो देखिए ये दो ऑप्शन डी दिया हुआ है, एंड और नॉट, ये तीनों जो है बेसिक गेट है, मूल गेट है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आईई, आधार धारा आईबी और संग्राहक धारा आईसी में संबंध है, ये भी 2011 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऑप्शन सी सही होगा, आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी। याद रखिएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई ई, आधार धारा आई बी और संग्राहक धारा आई सी में क्या संबंध होगा, तो आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लॉजिक गेट चित्र में दर्शाया हुआ है, ये किसको निरूपित करता है, 2012 एनुअल में पूछा हुआ। सभी क्वेश्चन देखिए आपको इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है दोस्तों, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। ये जो लॉजिक गेट दिया हुआ है वो एंड गेट का दिया हुआ है, आपको ऑप्शन डी सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में द्विआधारी संख्या है, ये भी क्वेश्चन देखिए 2013 एनुअल में पूछा हुआ, यानी ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 25 दिया हुआ है इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना कितना होगा, तो कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शन सी मिलेगा सही, 11001 का बेस 2 लगा हुआ है, ये आपका सही आंसर होगा, 25 का बाइनरी नंबर सिस्टम 11001 आएगा, तो ऑप्शन सी आपको सही मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो तापक्रम जब बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन होल एवं छिद्र दोनों होता है। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप अर्धचालक रहेगा और एन टाइप अर्धचालक रहेगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में छिद्र रहेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स रहेंगे, तो दोनों तरह का चालकता होगा। ये भी देखिए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन है, यदि ट्रांजिस्टर में धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो, ऑप्शन देखिए बी इसका सही होगा, बीटा लेस देन 1 और अल्फा ग्रेटर देन 1। चलिए ये हो गया आपका, फिर से इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। यदि ट्रांजिस्टर का धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो, ये भी देखिए 2018 का एनुअल में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ये भी देखिए दोस्तों 2018 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी नियत होगा और डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, ठीक है, घटेगा। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुचालक पदार्थ की संयोजकता पट्टी और चालकता पट्टी के बीच, कुचालक पदार्थ का संयोजकता पट्टी और चालकता पट्टी के बीच बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरा वर्धित क्षेत्र होता है, नहीं ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10 नंबर में क्या पूछा है, संयोजकता पदार्थ में संयोजकता पट्टी और चालकता पट्टी के बीच, देखिए सुचालक पदार्थ में जो है कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, संयोजकता पट्टी और चलन पट्टी एक दूसरे पर ओवरलैप रहता है इस प्रकार से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में क्या है, जर्मेनियम क्रिस्टल में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है, जर्मेनियम क्रिस्टल में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 13 नंबर में क्या पूछा हुआ है, सिलिकन क्रिस्टल में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो 1.1 वोल्ट होगा, इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 14 में है, परम शून्यताप पर किसी शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता कितनी होती है, शून्य होती है, ऑप्शन ए, ठीक है, परम शून्यताप पर किसी
शुद्ध चालक का चालक का विद्युत चालकता कितना होगा? शून्य होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब इसका चालकता बढ़ेगा। 15 में है, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल के 10^7 परमाणुओं के बीच इंडियम का एक परमाणु को अपमिश्रित करने से विद्युत चालकता जिस गुणक से बढ़ जाती है वह है 10^3 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में क्या दिया हुआ है, अर्धचालकों में अपद्रव डालने से, अर्धचालक में जब अपद्रव डालेंगे तब उसका जो चालकता है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन में, जिस उद्देश्य से शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव अपमिश्रित किया जाता हुआ क्या है? देखिए ऊपर में जो क्वेश्चन था 17 नंबर और 18 नंबर सेम क्वेश्चन है, अर्धचालक में जब अपद्रव मिलाएंगे तो विद्युत चालकता बढ़ जाएगा। ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा, विद्युत चालकता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में क्या पूछ रहा है कि सिलिकन क्रिस्टल, सिलिकन अर्धचालक है उसमें अगर एंटीमनी हम लोग मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? देखिए एंटीमनी जो है वर्ग 15 का तत्व है, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा यानी पंच संयोजक तत्व। तो जब भी किसी अर्धचालक में पंच संयोजक तत्व मिलाया जाएगा तो वो यन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम के क्रिस्टल को यन टाइप का अर्धचालक बनाना है, आवश्यक अपद्रव परमाणु की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक है, यन टाइप अगर हम लोग मिलाते हैं तो पंच संयोजक तत्व हमको चाहिए, जैसे आपको ऊपर में बताए थे। चलिए 21 में क्या है, जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप बनाना है। देखिए यन टाइप बनाने के लिए पंच संयोजक, तो पी टाइप बनाने के लिए आपको त्रि संयोजक तत्व यानी वर्ग 13 के तत्व को अपमिश्रित करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका 21 का बी हो जाएगा दोस्तों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्वों जैसे एल्युमिनियम है, गैलियम है आदि के अपद्रव को जर्मेनियम या सिलिकन में मिलाते हैं तो वो कैसे हो जाएंगे? देखिए जब त्रि संयोजक तत्व हम मिलाएंगे तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, यन टाइप का जर्मेनियम बनाने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाएगा, यन टाइप बनाना है तो पंच संयोजक तत्व मिलाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, यन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे सही। और पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक कौन रहेंगे? होल्स, यानी ऑप्शन हो जाएंगे बी सही। 26 में पूछता है, किसी यन टाइप के सिलिकन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है और त्रि संयोजी परमाणु अपमिश्रित है। देखिए गलत हो गया, यन टाइप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक तो रहेगा लेकिन पंच संयोजी तत्व होना चाहिए। उसके बाद बी में है, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रित है, तो ये आपका देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, यन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक रहेंगे और पंच संयोजक परमाणु अपमिश्रित रहेंगे, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 में क्या पूछा गया है, 27 में पूछा गया है, दिए गए कथनों में कौन सा पी टाइप अर्धचालकों के लिए सत्य है? देखिए पी टाइप अर्धचालक के लिए पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक रहेगा और त्रि संयोजक परमाणु अपमिश्रित रहेगा, तो त्रि संयोजक तो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक रहेगा, पंच संयोजी भी गलत हो गया, होल बी बर अल्पसंख्यक, होल बहुसंख्यक और त्रि संयोजक, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पी टाइप में होल जो है वो बहुसंख्यक रहेगा और त्रि संयोजी परमाणु अपमिश्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 में क्या पूछा गया, देखिए एक परिपथ दिया हुआ है चित्र में और इसमें बैटरी जो 5 वोल्ट का लगा हुआ है उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछा गया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये दो डायोड दिया हुआ है पीएन जंक्शन और दोनों फॉरवर्ड बायस्ड में जुटा हुआ, देखिए ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप, तो पी का पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन यहाँ निगेटिव से जुड़ा हुआ है। फिर अगर दूसरा का भी देखिएगा, दूसरा डायोड का, तो ये भी पी टाइप और ये भी एन टाइप, तो यहाँ से पी से प्लस और ये, तो दोनों फॉरवर्ड बायस में जुटा हुआ है। तो अगर इस कंडीशन में सबसे पहले हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल लें दोनों का, तो समतुल्य प्रतिरोध देखिए समानांतर क्रम में है तो आएगा 5 ओम। ठीक है, तो आर का मान आ गया 5 ओम और वोल्ट दिया हुआ है 5, तो अगर आई निकालेंगे वोल्टेज बटा प्रतिरोध करके तो भी बटा आर करेंगे तो 1 एम्पियर आएगा, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा इसका सही। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए चित्र को क्लियर से, ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा था धारा का मान बैटरी से, तो 1 एम्पियर आएगा, ऑप्शन जो है आपको सी मिलेगा सही।
29 में देखिए, इसमें भी एक परिपथ चित्र में दर्शाया हुआ है और इसमें भी 10 वोल्ट का जो बैटरी है उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछा गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक डायोड तो फॉरवर्ड बायस्ड में जुटा हुआ है पी का पी से और एन का एन से, लेकिन एक जो है वो रिवर्स में जुटा हुआ है। देखिए ये एन यानी निगेटिव का प्लस से जुटा हुआ है और इसमें ये जो प्लस का है वो माइनस से जुटा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो नीचे वाला आप डायोड देख रहे हैं, इसको ये नीचे वाला डायोड ये खुला परिपथ जैसा काम करेगा, और अगर खुला परिपथ जैसा काम करेगा तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। ऑप्शन आपको डी मिलेगा सही दोस्तों, 29 का डी शून्य हो जाएगा। ये उल्टा डायोड जुटे रहने के कारण इसका ऑप्शन शून्य हो गया है। अब इसमें देखिए एक परिपथ दिया हुआ है और इसमें भी प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा। अब दोनों डायोड जो है वो देखिए श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है और फॉरवर्ड बायस में जुटा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग वोल्टेज बटा प्रतिरोध करेंगे तो 2.5 एम्पियर आपको सी मिलेगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें चित्र में प्रदर्शित विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, चित्र में प्रदर्शित विद्युत धारा का मान। तो फिर से यहाँ पर देखिए दोनों डायोड जो है, एक डायोड क्या है इसका पी टाइप और इसका एन टाइप, और इधर उल्टा है एन और पी। तो देखिए एक का पॉजिटिव पॉजिटिव से और निगेटिव निगेटिव से, एक का पॉजिटिव निगेटिव से और पॉजिटिव निगेटिव से, तो उल्टा जुटा हुआ है। यानी एक डायोड जो है इसमें वो ये वाला डायोड जो है जो रिवर्स बायस्ड में है वो खुला परिपथ जैसा काम करेगा, तो इसमें भी धारा कितना होगा शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 में देखिए, यहाँ पर भी चित्र में प्रवाहित विद्युत धारा का मान पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों डायोड देखिए फॉरवर्ड में जुटा हुआ है, इसका भी प्लस प्लस से, इसका भी प्लस प्लस से जुटा हुआ है। तो अगर हम लोग वोल्टेज बटा प्रतिरोध करेंगे तो 2.5 एम्पियर इसका आंसर आएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें विद्युत परिपथ में ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है पीएन जंक्शन, तो इसका सही आंसर देखिए आएगा 4 ओम जब भी ए बड़ा होगा भी बी से, यानी ऑप्शन आपको सी मिलेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक चित्र में 2 एमीटर लगा हुआ है, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ में लगे एमीटर A1 और एमीटर A2 का पाठ्यांक क्या होगा, दोनों एमीटर के प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर 0.2 एम्पियर और शून्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्र अभिनति की दशा में किसी जंक्शन डायोड का प्रतिरोध 30 ओम दिया हुआ तथा उत्क्रम अभिनत की दशा में प्रतिरोध 3000 ओम दिया हुआ, चित्र में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए ये जो चित्र यहाँ पर दर्शाया हुआ है इसमें धारा का मान पूछा गया है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको आंसर मिलेगा 3/26 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 36 नंबर में देखिए, किसी अर्ध तरंग दिष्टकारी द्वारा 50 हर्ज की आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दिष्टकरण किया जा रहा है, दिष्टकरण के बाद प्रति सेकेंड उत्पन्न धारा स्पंदों की संख्या होगी 50, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 37 में दिया हुआ है, एक पीएन जंक्शन डायोड के उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बायस्ड संयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका देखिए डी जो है वो सही नहीं होगा, ऑप्शन डी, बाकी ये जो तीनों है वो सही है। आपको ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम रिवर्स बायस्ड में जोड़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, चित्र में पूर्ण तरंग दिष्टकारी से निर्गत धारा का समय के साथ विचरण दिखाया गया, धारा का मान क्या होगा। देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ये धारा का शिखर मान आई नोड दिया हुआ है, इधर टाइम बढ़ रहा है एक्स एक्सिस में और धारा जो है वाई एक्सिस में बढ़ रहा है। तो इसमें धारा का माध्य मान पूछा है, तो आपको मिलेगा 2I0/π, यानी ऑप्शन सी मिलेगा सही। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण दिष्टकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता पड़ेगी, 2 डायोड की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। 40 नंबर क्वेश्चन में, पीएन जंक्शन डायोड जब अग्रदिश रहता है तब जंक्शन पर धारा का मान का प्रवाह मुख्यतः आवेश के विसरण के कारण होता है, ऑप्शन बी मिलेगा सही। याद रखिएगा पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड में रहेगा तब जंक्शन पर धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, तो आवेश के विसरण के कारण होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर में क्या है, ट्रांजिस्टर की क्रिया हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर ए में दिया हुआ, आधार उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों का आकार अपमिश्रण सांद्रता के समान होनी चाहिए। बी है, आधार क्षेत्र बहुत बारीक और अपमिश्रित होनी चाहिए, तो आपको जो ऑप्शन बी सही मिलेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर की क्रिया हेतु कौन सा कथन सही है, तो आधार क्षेत्र बहुत बारीक और अपमिश्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 में क्या पूछा, किसी एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर के परिपथ में ग्राहक धारा
जिसका मान आई सी दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर है। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या का 80% ग्राहक तक पहुंचता है तब ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ उत्सर्जक धारा आई इक्वल टू 8.5 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी सही होगा और उत्सर्जक धारा आई इक्वल टू 12.5 मिली एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 में दिया हुआ है किसी ट्रांजिस्टर के बेस धारा का मान किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए बेस की मोटाई पर, बायस वोल्टेज पर, सी है उत्सर्जक बेस तथा ग्राहक में अपमिश्रण के सापेक्षिक मानों पर, डी उपयुक्त सभी कारकों पर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सभी कारकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में क्या पूछ रहा है कि NPN जंक्शन तथा PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है NPN ट्रांजिस्टर में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं जबकि PNP ट्रांजिस्टर में होल PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। गलत हो गया, ऑप्शन बी जो है NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होंगे ये सही है और PNP ट्रांजिस्टर में होल बहुसंख्यक होंगे ये सही है, ऑप्शन बी मिलेगा सही। ठीक है, 47 में दिया हुआ है सुयोग प्रवर्धन प्रक्रिया के लिए ट्रांजिस्टर का कौन सा अभिलक्षण आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है उत्सर्जक अपमिश्रण अधिक, संग्राहक में अपमिश्रण कम और बेस में अपमिश्रण बहुत हल्का होना चाहिए, सही है। बी देखिए बेस संग्राहक जंक्शन का स्पर्शी क्षेत्रफल उत्सर्जक बेस जंक्शन के स्पर्शी क्षेत्रफल की अपेक्षा बहुत अधिक होनी चाहिए, ये भी सही है। बेस की परत मोटाई बहुत कम होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही, सब ये ऊपर में तीनों ऑप्शन है वो सही है। 46 में दिया हुआ है किसी PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर में पी टाइप का क्रिस्टल कार्य करता है। ऑप्शन ए है केवल उत्सर्जक जैसा, बी है केवल संग्राहक जैसा, सी उत्सर्जक तथा संग्राहक दोनों जैसा और डी ना तो उत्सर्जक जैसा और ना ही संग्राहक जैसा। इसका सही आंसर होगा सी, उत्सर्जक और संग्राहक दोनों जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में किसी NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर में पी टाइप का क्रिस्टल कार्य करता है, केवल उत्सर्जक जैसा, केवल संग्राहक जैसा, केवल बेस जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी, केवल बेस जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में पूछा हुआ है किसी अर्धचालक पर आपतित विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य का मान 2480 नैनोमीटर से कम होने पर यदि अर्धचालक की विद्युत चालकता में वृद्धि होने लगे तो अर्धचालक का चालकता बैंड कितना होगा। तो इसको देखिए यहाँ पर संकेत भी दिया हुआ है, अगर हम लोग इक्वल टू एच न्यू करेंगे और फिर न्यू का मान C/λ रख करके यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब इसका सही मान जो है आपको मिलेगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी मिलेगा सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में और गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। और गेट का बुलियन व्यंजक जो होगा A+B=y, आपको ऑप्शन ए मिलेगा सही, याद रखिएगा और गेट का बुलियन व्यंजक A+B=y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये 2015 का एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 50 नंबर का जो क्वेश्चन अभी आपको बताया जाएगा। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो है ऑप्शन ए A.B पर रेकरिंग बाई दिया हुआ है, ऑप्शन बी A+B=y दिया हुआ, ऑप्शन सी A.B=y दिया हुआ, ऑप्शन डी सही होगा A+B पर रेकरिंग बराबर बाई, ये आपका नॉर गेट का बुलियन व्यंजक आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछ रहा है, तो नंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होगा A.B पर रेकरिंग बराबर बाय, यानी कि ऑप्शन ए मिलेगा सही दोस्तों आपको। नेक्स्ट है जिस लॉजिक गेट के दोनों निवेशों यानी कि दोनों इनपुट केवल अवस्था एक में रहने देते हैं तो निर्गम एक पर प्राप्त होता है, निर्गम यानी आउटगोइंग एक पर प्राप्त होता है, तो वो कौन सा लॉजिक गेट होगा, एंड गेट हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको ऑप्शन ए बी मारना पड़ेगा यानी कि एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 में क्या पूछ रहा है, जिस लॉजिक गेट के दोनों इनपुट्स का अवस्था ओ में रखते हैं और आउटपुट एक पर प्राप्त होता है तो वह लॉजिक गेट कौन सा है। देखिए दोनों इनपुट को जीरो रखेंगे और आउटपुट में एक मिलेगा, यानी ये जो है इनपुट को उल्टा कर रहा है तो आपको नॉर गेट मिलेगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही दोस्तों, नॉर गेट। 54 में है चित्र में प्रदर्शित लॉजिक गेट परिपथ के
लिए बूलियन व्यंजक है। चित्र में एक देखिए लॉजिक गेट दिया हुआ है, ये लॉजिक गेट जो है नॉर गेट का है, तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होगा ए प्लस बी पर रेकनिंग इक्वल टू बाई, यानी कि 54 का ऑप्शन सी मिलेगा सही, ठीक है, बाई इक्वल टू ए प्लस बी पर रेकनिंग, ये नॉर गेट के लिए हो गया। चित्र के अनुसार डायोड है, देखिए एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें ये जो पी टाइप है वो अर्थड किया हुआ है और एन टाइप जो है वो प्लस से जुड़ा हुआ है, यानी ये रिवर्स बायस्ड में है। तो अग्र अभिनत जब पी उच्च विभव रखता है, उत्क्रम अभिनत जब पी निम्न विभव रखता है, ए और बी दोनों, तो सही आंसर इसका देखिए उत्तर बी हो जाएगा। चित्र के अनुसार डायोड है, चित्र के अनुसार डायोड है, देखिए यहाँ पर पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को भी प्लस से जुड़ा हुआ है, लेकिन पी टाइप का विभव जो है ज़्यादा है, यानी ये अग्र अभिनत में है और पी उच्च विभव रखता है एन से, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 56 का। 57 में दिया हुआ है, परम शून्य ताप पर एक नीच अर्धचालक व्यवहार करता है। देखिए परम शून्य ताप पर एक नीच अर्धचालक जो है एक कुचालक जैसा काम करेगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या उसमें डोपिंग करेंगे तब वो चालक जैसा काम करेगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 57 का सही। 58 में किस में ऊर्जा अंतराल महत्तम होता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा अंतराल जो होता है कुचालक पदार्थ में होता है, इसका भी ऑप्शन सी मिलेगा। नेक्स्ट है अर्धचालक के संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अर्धचालक के संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, ऑप्शन सी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में है, नॉट गेट के लिए कितने ट्रांजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन ए देखिए एक दिया हुआ है, ये सही है, नॉट गेट के लिए एक ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 में दिया हुआ है, एंड गेट के लिए कितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है, एंड गेट के लिए 2 डायोड की आवश्यकता पड़ती है, तो सी सही होगा। उसके बाद 62 में, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार यानी कि लॉजिक गेट सार्वत्रिक तर्क द्वार है, ऑप्शन डी जो है नंड गेट वो आपका सही होगा, ठीक है, सार्वत्रिक तर्क द्वार कौन हो गया, नंड गेट। नेक्स्ट है 63 में, इन्वर्टर गेट कहते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है एंड गेट को, बी नॉट गेट को, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉट गेट को, इन्वर्टर गेट नॉट गेट को कहते हैं। 64 में देखिए एक परिपथ दिया हुआ है लॉजिक गेट का, और ये लॉजिक गेट किसके जैसा कार्य करेगा वो हम लोग को दिखलाना है, तो ये लॉजिक गेट जो है एंड गेट के जैसा काम करेगा, तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक परिपथ चित्र दर्शाया गया है लॉजिक गेट का, और ये पूछा गया कि ये किसके समतुल्य है, ऑप्शन ए दिया हुआ है और गेट, बी दिया हुआ है नॉर गेट, सी दिया हुआ है नंड गेट, और डी दिया हुआ है एंड गेट, तो इसका सही आंसर जो होगा एंड गेट होगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। देखिए इसमें भी एक परिपथ दिया हुआ है लॉजिक गेट का, और ये किसके समतुल्य है, तो ये लॉजिक गेट जो है एंड गेट के जैसा काम करेगा, तो इसका जो बुलियन व्यंजक होगा ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक लॉजिक गेट दिया हुआ है, और ये लॉजिक गेट किसके समतुल्य काम करेगा, तो ये लॉजिक गेट जो है एंड गेट के जैसा काम करेगा, यानी कि 67 का ऑप्शन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन एंड गेट का ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी होगा सही, ए डॉट, ये जो लॉजिक गेट आप ऊपर देख रहे हैं 67 में, इसके लिए कौन सा लगेगा, तो इसका आपको जो है ऑप्शन बी लगेगा सही, ए डॉट बी। 68 में देखिए क्या दिया हुआ है, ए पर रेकरिंग डॉट बी पर रेकरिंग किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए प्लस बी पर रेकरिंग, यानी कि ऑप्शन बी 68 का सही होगा। 69 में है, बूलियन व्यंजक ए बाई इक्वल टू ए डॉट बी पर रेकरिंग प्लस बी डॉट ए पर रेकरिंग दिया गया, यदि ए बराबर एक तथा बी बराबर एक हो तो बाई का मान कौन सा होगा, इसका मान 0 होगा, यानी ऑप्शन ए मिलेगा सही। 70 में क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत था उत्क्रम अभिनत व्यवस्थाओं में डायोड का प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा, तो 10^-4 अनुपात 1 होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का
इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां और लॉजिक गेट्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से अपडेट रहे। आगे आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। धन्यवाद।